बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत फातमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को किसने गुसल दिया? सही जवाब है अस्मा बिनते उमैस जोजा मोहतरमा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत फातमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कफन किसने पहनाया? सही जवाब है अस्मा बिनते उमैस जोजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान मजीद में मद और वकफ की अलामतें किसने लगाई? सही जवाब है खलील इब्ने अहमद फराइदी ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार होने के कितने अरसे बाद उसमें रूह फूंकी गई? सही जवाब है 40 साल बाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी बार पैदल चलकर खाना काबा तशरीफ ले गए? सही जवाब है 40 बार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता यानी गलती पर कितने साल तक रोते रहे? सही जवाब है 300 साल तक। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जुबानों का इलम दिया था? सही जवाब है 7 लाख जुबानों का। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का नाम अखनूख था? सही जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती किस जगह पर बनाई थी? सही जवाब है मस्जिद कूफा के पास। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद आबाद होने वाली सबसे पहली बस्ती का क्या नाम है? सही जवाब है बस्ती सोकुस समानीन